चौराहे के पास नर्मदा नगर खंडवा रोड पर स्थित वाइन शॉप के विरोध में लगातार एक महीने से चल रहा विरोध प्रदर्शन ने आज उग्र आंदोलन का रूप ले लिया। रहवासियों का कहना है कि बीती रात को कुछ शराबियों और अन्य लोगों ने मिलकर महिलाओं के साथ मारपीट की और अभद्र व्यवहार किया, गली गलौज की एवं रहवासियों का यह भी कहना है कि पुलिस उनकी कोई मदद नहीं कर रहा और ना ही प्रशासन। यदि वाइन शॉप को यहां से नहीं हटाया गया तो सभी मिलकर चक्का जाम करेंगे व रोड पर धरना प्रदर्शन करेंगे। रिपोर्टर मनीष बागवान, इंदौर। हताशा हाथ लगी है। इस बार आप उग्र आंदोलन करेंगे, क्या है, क्या निर्णय लिया आपने? यह उग्र आंदोलन इसलिए हुआ कि रात को कुछ शराब के बाउंसरों और शराब के दुकानदार ने हाथे में दारू पी रहे थे और हमारे ऊपर बाटले फोड़ के डोले। यदि मैं भाग के अपनी जान नहीं बचाता तो मुझे मार डालते। जाके लोगों ने स्थिति देखी, महिलाओं को बुलाया, रात को आंदोलन तेज किया है और अब जब तक दुकान नहीं हटेगी हम भी नहीं हटेंगे। प्रशासन का क्या कहना है? आपने शिकायत की थी थाने पे? पुलिस थाने वाले कहते हैं हमने लगाई नहीं, हम कोई सपोर्ट नहीं करेंगे तुम्हारी, तुम निपटो। और आज अधिकारी सारे बैठे हैं, उन्होंने बोला आज दुकान नहीं खुलेगी, आज से हम ताले नहीं खुलने देंगे, तो भी बोले हट जाओ, लेकिन हम नहीं हटेंगे जब तक दुकान बंद नहीं हो जाएगी। हाँ, जैसा कि देख रहे कि पुलिस प्रशासन भी वहाँ बैठा था, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि गलत जगह दुकान है, पुलिस के सहयोग में है, लेकिन वो गलत तरीके से हालात करिए, यहाँ बहन बेटियों की इज्जत खतरे में पड़ गई है, बच्चियाँ स्कूल नहीं जा पा रही है। पुलिस प्रशासन के रहते हुए यहाँ पर उन्होंने कल इस प्रकार से किया उग्र आंदोलन, अगर नहीं महिलाएं आती तो शायद ये हत्या कर देते इस व्यक्ति। हाँ, की इस पे बाउंसर उन बाटल ले लेके दौड़े, उसके बाद महिलाओं का नाम बताइए। मेरा नाम ईश्वर सिंह गुजर, और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने महिलाओं को भगाने के लिए पैसे फेंके और गल्ला फेंक दिया, उन्होंने अपनी बाटले फोड़ी काफी थी ताकि महिलाएं डर के मारे भाग जाए और पुलिस का जो ब्रांच के है। अच्छा, उन्होंने खुद ने अपनी बोतलें फोड़ी और लूट की, लूट का क्या ये चीज आप उजागर करना चाहेंगे? सब डाल दिया, मिल जाएगा आपको सुबह महिला से चले जाओ। महिला